दुनिया भर में अंतरिक्ष अन्वेषण जोरों पर है। इस क्षेत्र में भी हमारा भारत देश सबसे आगे है। भारत ने भी अमेरिका और रूस से जैसे दिग्गजों के सामने खड़े होने के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं। आइए राकेश शर्मा से शुरू करें, चार प्रमुख अंतरिक्ष यात्री को याद करें। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम निश्चित तौर पर राकेश शर्मा का आता है। शर्मा ने सैल्यूट 7 ऑर्बिटल स्टेशन पर 7 दिन 21 घंटे और 40 मिनट बिताए। राकेश शर्मा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले पहले और एकमात्र भारतीय थे। हम उनके साथ कई नामों का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन वे भारतीय मूल के हैं, भारतीय नागरिक नहीं। राकेश शर्मा के अंतरिक्ष उड़ान के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उनसे एक सवाल पूछा था, अंतरिक्ष से भारत को देखना कैसा लगा। पूछा गया जवाब में उन्होंने इकबाल को उद्धृत करते हुए कहा, उन्होंने सारे जहां से अच्छा का जवाब दिया और देश के लोगों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी। कल्पना चावला हमारे देश में जन्म लेने वाली और अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला थी, लेकिन दुर्भाग्य में 2003 में अंतरिक्ष शटल में विस्फोट हो जाने से उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने पहली बार 1997 में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में उड़ान भरी थी। एक मिशन विशेषज्ञ के रूप में उन्होंने प्राथमिक रोबोटिक आर्म ऑपरेटर के रूप में कोलंबिया अंतरिक्ष शटल में माध्यमिक से अंतरिक्ष में उड़ान भरी। फिर 2003 में अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया, लेकिन उनके और 6 अन्य सदस्यों के साथ कोलंबिया अंतरिक्ष शटल लौटते समय लैंडिंग से कुछ समय पहले विस्फोट हो गया। चालक दल के 7 सदस्य मारे गए। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली दूसरी भारतीय अमेरिकी महिला है। अंतरिक्ष में सैर करने वाली महिला के तौर पर ज़्यादातर रिकॉर्ड अतीत में उनके नाम पर ही थे। वह 7 बार अंतरिक्ष की सैर कर चुकी है। देख रहे हैं तो प्लीज़ इस पेज को फॉलो करें।